Question number 1. An athlete covers a half round of a circular track. The displacement covered by it is R, 2 R, 0, none. इनमें जो सा करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन 2 R. अब हम देखते हैं कि 2 R कैसे है. एक एथलीट था जिस जो इधर से स्टार्ट हुआ और इसने एक पूरे सर्कुलर ट्रैक का आधा हिस्सा ट्रैवल किया, यानी वो इधर से स्टार्ट हुआ और चलता चलता इधर तक पहुंच गया. उन्होंने पूछा हुआ है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. हम जानते हैं कि एक सेंटर से लेकर इधर तक जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है. इस तरह से अगर 2R इधर एक और आर ड्रा कर दें तो ये डायमीटर बन जाता है जो कि दो पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट है. सो बीटा इज आवर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. अ पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इट्स स्पीड इज 0, एक्सेलरेशन इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, बोथ ए एंड बी. इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन. क्योंकि जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो उसकी स्पीड भी होती है. स्पीड 0 नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो जाए तो वेलोसिटी खुद ब खुद 0 हो जाती है. सो एक्सेलरेशन इज 0, क्योंकि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है. सो बीटा इज आवर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर. इट रीचेस ग्राउंड इन 4 सेकंड. हाइट ऑफ टावर इज 40 मीटर, 80 मीटर, 20 मीटर, 160 मीटर. इनमें भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन. और हम देखते हैं कि करेक्ट कैसे है. जो डिस्टेंस और हाइट को मालूम करने का फॉर्मूला वो है h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. अब इधर उन्होंने टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड और हमने मालूम करना है कि जो बॉडी जो ड्रॉप की गई है एक टावर से उसकी हाइट कितनी थी टावर की. h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. हम जानते हैं कि जी जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू 9.8 है और टाइम 4 सेकंड. 4 का स्केयर लेंगे और ये 16 आ जाएगा. जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर है 80 मीटर आ जाएगा. सो बीटा इज आवर करेक्ट आंसर. अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ वेट 9.8 न्यूटन. द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज 0.51, 1.46, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली ऑप्शन. और हम इसे देखते हैं कि करेक्ट कैसे है. न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है. अब हमें अगर मास मालूम हो तो हम फोर्स और मास को डिवाइड करके एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं. पहले उन्होंने वेट दिया है, हम वेट के जरिए मास मालूम कर लेते हैं. W इज इक्वल टू एम जी. एम इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल होता है. जब 9.8 न्यूटन डिवाइड होगा ग्रेविटेशन कांस्टेंट से तो ये 1 किलोग्राम आ जाएगा. अब एक्स मास आ गया हमारे पास 1 किलोग्राम. हमने फोर्स को डिवाइड किया मास से तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर आ गया. सो चार्ली इज आवर करेक्ट ऑप्शन. रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री इज आर. एट व्हाट एंगल इट विल रिमेन सेम. 60 डिग्री, 50 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ऑप्शन 60 डिग्री. अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे लॉन्च करते हैं और एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है 60 डिग्री पे छोड़ते हैं तो दोनों की रेंज सेम होगी, दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे हॉरिजॉन्टली. इस तरह से अगर हम 10 डिग्री पे एक को सेंड करते हैं प्रोजेक्टाइल को और दूसरे को 80 डिग्री पे सेंड करते हैं तो इन दोनों की रेंज भी सेम होगी. इस तरह से 20 डिग्री और 70 डिग्री की रेंज सेम होती है. ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. एक्सेलरेशन, स्पीड, पोजीशन वेक्टर, इंपल्स. इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली ऑप्शन पोजीशन वेक्टर. जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका पोजीशन वेक्टर चेंज होता है, जबकि एक्सेलरेशन जीरो होता है, स्पीड भी सेम रहती है. और इम्पल्स तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होती है, इसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं. सो चार्ली इज आवर करेक्ट ऑप्शन. जैसे एक बॉडी जब मूव करती है एक सर्कल में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो उसकी स्पीड भी सेम होती है, एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, लेकिन उसका पोजीशन वेक्टर हर पॉइंट पे चेंज होता है. कभी इधर को होता है, हर पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा होता है.
सो पोजिशन वेक्टर जो है वो वेलोसिटी कांस्टेंट होने के बावजूद चेंज होता रहता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर यूज फॉर डैश रेंज, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, बोथ ए एंड सी। इनमें बीटा करेक्ट ऑप्शन है शॉर्ट रेंज। जो से बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं ये अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल होती हैं जिन्हें हम सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए यूज करते हैं, जबकि लॉन्ग रेंज के लिए हम हाईली पावर्ड और स्पेसिफिक जो उनसे मिसाइल हैं वो यूज करते हैं। सो बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइमोग्राफ वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फोर्स बोथ ए एंड बी। इनमें करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा बोथ ए एंड बी। वेलोसिटी टाइमोग्राफ से हम एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं, जो वेलोसिटी टाइमोग्राफ की स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देती है वी डिवाइडेड बाई टी। इस तरह से अगर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइमोग्राफ हमें देता है डिस्टेंस वी मल्टीप्लाई बाई टी। इस तरह से हम डिस्टेंस और एक्सेलरेशन तो मालूम कर सकते हैं वेलोसिटी टाइमोग्राफ से, लेकिन फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स का कोई लेना देना नहीं वेलोसिटी टाइमोग्राफ से। डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो इफ अ बॉडी इज इन मोशन फॉर सम टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर्ड, नन। इनमें बीटा करेक्ट ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी कोई थोड़ी देर के लिए मोशन में है तो उसकी ना ही स्पीड जीरो होगी ना ही डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे एक बॉडी एक सर्कल में यहाँ से मूव करती है और फिर उसी पॉइंट पे आ जाती है, तो इधर इसका डिस्टेंस 2πr होगा और स्पीड भी कोई ना कोई होगी, लेकिन जब ये फिर अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। सो बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम? अंडर रूट 2v, 2v, वेलोसिटी ओनली जीरो। इनमें जो बीटा है 2v करेक्ट ऑप्शन है। जब दो बॉडीज सेम वेलोसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो दोनों की ऐड हो जाती है और 2v बन जाती है। यही अगर दो कारें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं दो बॉडीज, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब दो कारें अपोजिट डायरेक्शन से टकराती हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वही अगर दो कारें सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ जा रही होती हैं तो वो आपस में टकरा भी जाए तो इतना ज्यादा डैमेज नहीं होता। इस केस में जब दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव कर रही हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। अगर इसकी 30 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी और इसकी 25 है तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे और 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन अगर दोनों की सेम वेलोसिटी है तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, 2v हो जाएगी। सो बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अ 7 किलोग्राम मास एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स ऑफ 14 न्यूटन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? 1, 2, 0.5 और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीटा इज करेक्ट ऑप्शन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही आसान है एमसीक्यू। फोर्स बराबर होती है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। अब उन्होंने फोर्स दी हुई है 14 न्यूटन, मास 7 किलोग्राम और हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम। एफ इज इक्वल टू 14 न्यूटन, मास इज इक्वल टू 7। तो 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। द न्यूटन सेकंड लॉ डिफाइंस फोर्स, मेजर्स फोर्स, बैलेंस फोर्स, ऑल द अबव। इनमें बीटा करेक्ट ऑप्शन है मेजर फोर्स। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो डिफाइन करता है फोर्स को कि फोर्स होती क्या है। सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशन देकर फोर्स को मेजर करता है, जबकि जो थर्ड लॉ है वो बैलेंस करता है फोर्स को, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। सो बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है, उन्होंने पूछा हुआ है पहले डिस्प्लेसमेंट बताएं और जो इस 6 सेकंड टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो बताएं। पहले तो हम देखते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखें जो ये इतना हिस्सा है, ये डब्बा है और ये डब्बा दोनों बराबर है। इसमें भी 2 से 4 2 सेकंड है, इसमें भी 2 से 4 से 6 2 सेकंड आते हैं, लेकिन ये अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इस हिस्से में जो सा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो जीरो हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, इधर तो जीरो हो गया इस ग्राफ के एरिया के, जो इधर आ रहा है यहां से लेकर इतना, इसके एरिया के ऊपर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा।
अब जो विलास्टी है वो 0 से लेकर 4, ये 4 आ जाएगी, और टाइम 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या आता है, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो डब्बों के नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन पे होने पर डिपेंड नहीं करता। तो इसके तीनों डब्बों का जो जो आएगा, जो उनका डिस्टेंस आएगा उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ये 4 मल्टीप्लाई 2 इधर तो आ गया हमारे पास इसका जी 8 मीटर। इसमें टाइम 2 सेकेंड और जो डिस्टेंस है ये भी 2 मीटर, 2 2 4, और इसमें भी टाइम 6 को माइनस करें 4, 4 को 6 से सब्ट्रैक्ट करें तो 2 सेकंड टाइम आ जाता है, और ये जो सा ऊपर वाली लाइन है ये 2 से मिल रही है तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये भी आएगा 4 मीटर। तो इन तीनों डब्बों का जो सा डिस्टेंस आया है इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, सो 16 मीटर जो सा ये डिस्टेंस आ जाएगा। 8 मीटर और 16 अल्फा करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन अ बॉडी कवर्स अ सेमी सर्कल इज पाई डिवाइडेड बाय 2, पाई आर, 1 डिवाइडेड बाय पाई, पाई डिवाइडेड बाय 4। इनमें करेक्ट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन है, और हम देखते हैं कि करेक्ट कैसे है। एक कंप्लीट सर्कल का जो सा डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है 2 पाई आर के, उसके सर्कमस्टेंस के एरिया के, जबकि सेमी सर्कल का जो सा डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है पाई आर, यानी 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। और जो हाफ सर्कल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो बराबर होता है 2 आर के, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में बताया कि एक रेडियस इतना और 2 रेडियस 2 आर हो जाएगा तो ये हाफ सर्कल का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। उन्होंने कहा है कि रेशियो क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, जो डिस्टेंस है वो है पाई आर और जो डिस्प्लेसमेंट है हाफ सर्कल का वो है 2 आर, ये आर आर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा पाई बाय 2, सो अल्फा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी, हाइट ऑफ द टावर, वेट ऑफ द बॉडी, स्केयर ऑफ टाइम। इनमें डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब किसी हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो उसके डिस्टेंस या हाइट का फॉर्मूला होता है हाफ जी टी स्क्वायर। इनमें जो डिस्टेंस है जो ट्रेवल कर रही है बॉडी किसी टावर से ड्रॉप करने के बाद वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के, जब ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जी है ये तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है 9.8, तो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। A person can throw a stone to maximum range of 100 meter, the greatest height with same condition to which he can make the stone to rise is 50 meter, 100 meter, 150 meter, 25 meter. इनमें जो सा correct option है वो है delta option, 25 meter. उन्होंने maximum range दी हुई है 100 meter और हमने greatest height मालूम करनी है। रेंज बराबर होती है 4 टाइम्स हाइट के। अब हाइट मालूम करनी है तो 4 डिवाइड हो जाएगा रेंज से, और रेंज उन्होंने 100 मीटर दी हुई है तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 मीटर। ये इस तरह से भी एमसीक्यू आ सकता है कि रेंज और हाइट में क्या रिलेशन है, अगर 4 टाइम हाइट हो तो फिर रेंज होती है, यानी हाइट कम होती है रेंज ज्यादा होती है, इस तरह का रिलेशन भी वो पूछ सकते हैं, सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। During projectile motion, the quantities that remain constant are acceleration Vx, acceleration kinetic energy, force velocity, acceleration और momentum। इनमें alpha जोन्स है ये correct option है। जब कोई body projectile motion करती है तो उसका जो gravitational acceleration है वो हर point पे same रहता है, और दूसरी उसकी जो horizontal velocity है वो भी same रहती है। जबकि जो उनकी वर्टिकल वेलोसिटी है, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है, वो वेलोसिटी चेंज होती रहती है, लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर दें तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स होती है वो हर पॉइंट पे सेम रहती है, और दूसरा कंपोनेंट जो सेम रहता है वो होता है एक्सेलरेशन, फोर्स भी चेंज होती है, मोमेंटम चेंज होता है, सो अल्फा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन,
पैराबोला, एलिप्स, इनमें जो चार्ली है पैराबोला, ये करेक्ट ऑप्शन है। जो सा एक प्रोजेक्टाइल होता है उसका पाथ पैराबोला होता है, जबकि स्ट्रेट लाइन इस तरह का होता है, हाइपरबोला कुछ इस तरह से होता है, लेकिन जो सा प्रोजेक्टर प्रोजेक्टाइल होता है वो पाथ करता है, वो एक पैराबोला पाथ शो करता है। सो चार्ली इज आवर करेक्ट ऑप्शन।